और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एहतसाब को के रद्द अमल को खत्म करने का, उसका तमाशा बनाने का, उसको शिकस्त और रेत करने का, एक तरफ आपकी वाज़ेह हरकत ये है, दूसरी तरफ आप इधर आके कहते हैं कि जनाब आप अलमबरदार हैं करप्शन के खात्मे के, और ये हरकतें मुकम्मल नहीं हुई हैं। ये जो उस वक्त के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जहांगीर तरीन ने ये करप्शन मान के ये फाइन जमा करवा के, इसका मतलब ये है कि वो माने ये सनत याफ्ता करप्ट हैं। ये हरकतें जारी और सारी है क्योंकि जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है केपी में इस दौर का, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां पर, उन्होंने जो जहांगीर तरीन की एनजीओ कार्रवाई कर रही है हेल्थ में, उसमें इनकी दवाइयां पकड़ी थी, वो एक केस बना था, बजाय कि उस केस को आगे चलाया जाता, वो जो डीजी थे तोरू साहब उनको फारग कर दिया गया। मैं पूछता हूं कि आज उस केस की क्या नौयत है, आज उस केस में क्या प्रोग्रेस है? तो यही जो हम देख रहे हैं एससीसीपी में, जो इन्होंने अपने कुक और अपने माली के जरिए किया, वो वहां अपनी एनजीओ के जरिए कर रहे हैं, हरकतें वही हैं। तो इनको जरूर हुकूमत सौंप दें। ये जो मिसाल बना रहे हैं बार बार अपनी किरदार की बता रहे हैं, जो सेक्रेटरी जनरल इनको 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 इनके कुक और इनके माली को आप वजीर बना दें ताकि अच्छी तरह लूट लें।